नमस्कार, मैं हूं रमेश वशिष्ठ। मैं गुड़गांव हरियाणा में ज्योतिष का अध्यापन भी करता हूं और लोगों को ज्योतिषीय सलाह भी देता हूं। पिछले 20 वर्षों के इस अनुभव में मुझे कुछ समाज में भ्रांतियां दिखाई दी, विशेषकर कुंडली मिलान, जो शादी के लिए हम कुंडली मिलान करते हैं उसमें हमारे समाज में हमारे जो विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं उनमें भी और उनके माता पिताओं में भी इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि अच्छे से अच्छे रिश्ते भी सिर्फ ऐसे ज्योतिषियों की सलाह पर वो छोड़ देते हैं जो कम जानकारी रखते हुए ज्योतिष का पूरा अध्ययन ना करके सिर्फ एक सारणी को देख के उसमें से ही निर्णय दे देते हैं और लोग उस पे पालन करते हुए बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों को नकार देते हैं। वो सारणी क्या है? उत्तर भारत में वो सारणी अष्टकूट सारणी के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत में 10 कूट। इस सारणी में सिर्फ नक्षत्र चरण युवक और युवती जिनकी शादी होनी है उनके प्रथम नामक्षर से जो नक्षत्र चरण बनता है उस नक्षत्र चरण के मिलान करके जो योग आता है 36 का उसमें से हम देखते हैं कि क्या 18 का स्कोर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और ज़्यादातर ऐसे ज्योतिष का कम अनुभव और ज्ञान वाले ज्योतिषी 18 से अंक कम होते ही उनको सीधा कह देंगे कि ये विवाह नहीं हो सकता है और लोग भी उनके कहने पर उन रिश्तों को नकार देते हैं। इन भ्रांतियों के निवारण के लिए आज मैं आप लोगों को कुछ स्पष्टीकरण बता रहा हूँ कि भ्रांतियाँ क्या हैं और कैसे इनको दूर किया जाए। ये सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि सारणी जिस समय बनाई गई थी आज से 2000 वर्ष पूर्व उस समय समाज की स्थिति भिन्न थी। उस समाज में पुरुष प्रधान समाज था, स्त्रियों के लिए कोई ना पढ़ने के अवसर थे ना रोजगार के अवसर थे। स्त्री को विवाह के बाद एक गृहिणी बनकर रहना था और उसको सिर्फ एक ही हिदायत दी जाती थी कि आज के बाद तेरा पति ही तेरा परमेश्वर है और जो ये कहे उसी को मानना है, उसकी आज्ञाकारिणी बनना है। और इस सारणी में भी सारा जोर इस आज्ञाकारिणी होने में ही है। उस का उस समय पे एक ही मकसद था कि मन का मिलान, दोनों की मन की स्थिति एक जैसी हो तो वो अच्छे से वैवाहिक विवाह जीवन को निर्भर करेंगे। लेकिन क्या इतना ही वैवाहिक जीवन है? वैवाहिक जीवन में बहुत सी बातें हमें देखनी हैं, उनके स्वास्थ्य को देखना है, उनकी दीर्घायु को देखना है, उनके संतान की स्थिति को देखना है, उनके रोजगार के अच्छे अवसर और ऊपर जो राइज है लाइफ का उसको देखना है। वो इस सारणी से नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए हमें दोनों की कुंडली का गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये जो लोग मिलान कर रहे हैं जिसको कुंडली मिलान कहते हैं, जबकि कुंडली को तो उन्होंने बनाया ही नहीं, कुंडली उन्होंने देखी ही नहीं, तो कुंडली का मिलान हुआ कहाँ से? वो तो एक सारणी देखा, उस सारणी में 9 ग्रह में से सिर्फ एक ग्रह को देखा, बाकी ग्रहों को जो बहुत ही विवाह में जिनका महत्व है, गुरु है, शुक्र है और सप्तम भाव, विशेषकर विवाहिक जीवन का भाव है सप्तम भाव। सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसकी क्या स्थिति है, इसको किसी ने देखा ही नहीं। सिर्फ एक निर्णय ले दिया कि
नहीं जी, इसके सारणी के नंबर ही एक सबसे बड़ा निर्णय हो गया। और इस भ्रांति में रहकर हम अपने अपने अच्छे रिश्तों को नकार के विवाह योग्य बच्चे बच्चियों को दो दो तीन तीन साल तक विवाह नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है सबसे बड़ी भ्रांति, तीन जो दोष हैं, गणमहा दोष, बकुर दोष और नाड़ी दोष। यदि ऐसी भी परिस्थितियां मैंने देखी हैं कि 36 में से 28 गुण मिल गए हैं, फिर भी ज्योतिषी कहेगा कि नहीं, क्योंकि नाड़ी दोष है, ये विवाह नहीं हो सकता। जबकि हमारे उन्हीं शास्त्रों में लिखा है नाड़ी दोषस्तु विप्रणाम, यानी कि नाड़ी दोष हमें हर एक के अंदर नहीं देखना, सिर्फ विप्रों में यानी ब्राह्मणों में देखना है। वैसे भी ये जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम जब इतने आधुनिक हो गए हैं तो ये इतनी ज्यादा जातिवाद और वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा मायने भी नहीं रखती है। और फिर इन दोषों के परिहार हैं, इन तीनों दोषों के परिहार हैं। और बल्कि शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर एक दोष का परिहार हो जाता है तो उसके अंक को उसमें जोड़ लिया जाएगा। जैसे कि अगर गण महादोष का परिहार हो गया तो उसके 6 नंबर जुड़ जाएंगे, तो 18 की 24 बन जाएंगे। ऐसे ही अगर बकुट का परिहार हो गया तो उसके 7 गुण में जोड़ लिए जाएंगे। और उस परिहार के लिए शास्त्रों में लिखा है निवर्ण वर्गो न गणो न योनि दुर्द्वाद से चेव षडाष्ट केवा तारा विरुद्धम नव पंचमम सात राशि से स्वामी शुभ दो विवाहे। इसका अर्थ है कि हम ये वर्ण वर्ग गण योनि इन चीजों को देखने की बजाय हमें सबसे ज्यादा हमें देखना है राशि से स्वामी, राशि के स्वामी की आपस में परस्पर मैत्री कैसी है, या दोनों के चंद्र राशि के स्वामी एक ही हैं, तो ये इन सभी दोषों का परिहार हो जाता है। और ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने बहुत लोगों पर इसको लगाकर देखा है कि ग्रह मैत्री के अगर अंक 5 में से 5 हैं तो बाकी अंक कम होने पर भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। इसलिए हमें अच्छे ज्योतिषियों के पास जाकर गहराई से अपने बच्चों के कुंडली को गहराई से दिखवाना चाहिए, ना कि इस सारणी के आधार पर ही, इसकी अंक तालिका में जाके ही हम सिर्फ नकार देते हैं। ये हमारे भ्रम को हमें दूर करना पड़ेगा, हमें गहन अध्ययन के बाद ही निर्णय पर जाना पड़ेगा। सारी चीजों को एक एक अकेले एक अंकों के बेस पे किसी निर्णय को लेना, ये हमारे लिए बच्चों के वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। हमें सारे गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेना चाहिए कि क्या दोनों की कुंडलियों की क्या उनमें अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, उसको देखने के बाद ही हम वैवाहिक निर्णय करें। क्योंकि रिसर्च किसी ने की नहीं है, हर विषय में रिसर्च हो रही है, हर साइंस में अपडेशन हो रही है। हम उसी पुरानी 2000 वर्ष पुरानी इस सारणी को ही अपनाते जा रहे हैं, जबकि और विषयों में जो कुछ ऐसी दवाएं थी जिनको समझा जाता था कि वही सब कुछ ठीक कर देंगी, पर बाद में जब उनके साइड इफेक्ट देखे गए तो उनको नकार दिया गया। और अब नई से नई दवाइयाँ और हर विषय में ऐसे ही अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन ज्योतिष में इस बारे में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है। हम वही पुरानी बातों को उसी के बेस पे सब कुछ करते जा रहे हैं। हमें इसमें अनुसंधान करके इसमें नए विचारों को ला के
लोगों को देखने के बाद ही निर्णय लेना पड़ेगा। इसी तरह की एक भ्रांति मांगलिक दोष की भी बहुत समाज में चल रही है, प्रचलित है। उसका इतना बड़ा हुआ बना दिया गया है कि मांगलिक दोष का हुआ, मांगलिक दोष हो गया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बारे में मैं अपने दूसरे वीडियो में इसका बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।